So these are the answers of your exercise number 2 of lesson number 14, the modal verbs, page number 138. You shall get what you want. They shall not enter my office again. I shall have to say more about this problem later. We should obey our teachers. Shall I help you to cross the road? Will you shut the door, please? Students, listen. Most of the modal verbs are so confusing that sometimes you think that यहाँ would आ सकता है, यहाँ should आ सकता है, ठीक है? तो आप इसके जो भी ऊपर जो भी uses दे रखे हैं और उनको पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि this is the most appropriate answer, so you have to put that only, that word only you have to put there, ठीक है? Now let us shift to the next modal verbs we were doing. Our next modal verb is out. Yes, all those who have joined now only, page number 138, the modal verb out. अच्छा ये वर्ड सुना है आपने पहले कभी? Out, what have you heard about it? Yes, Arini. Yes, ma'am. What do you think? Where mostly we use this word? Ma'am, to it is used in place of should also. Like we say na, we should respect our elders, so we out to respect our elders. Okay, means our duty or something which yeah. We are eligible yes. for. Okay, good. See, out is generally we use the word out with the two infinitive. ठीक है, पीछे हम टू वर्ड का यूज लगाते हैं आउट के बाद, आउट टू वर्ड हम लगाते हैं. तो आउट टू इज जनरली यूज फॉर सेइंग व्हाट इज अ राइट और सेंसिबल थिंग, जो आपको लगता है कि दैट इज अ राइट थिंग और जो सही चीज है जो हमें करनी चाहिए. जैसे कि यू आउट टू गेट अप अर्लियर, ठीक है, कि दिस इज योर राइट, दिस इज योर थिंग विच यू शुड डू, दैट यू आउट टू गेट अप अर्लियर, कि हमें जल्दी, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए. फिर इट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, समटाइम वी यूज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि अवर टीम आउट टू विन द मैच, हमारी जो टीम है वो पॉसिबिलिटी है कि वो जीत जाए, ठीक है. एंड इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ ड्यूटी, ऐसे ही हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो वी आर एलिजिबल फॉर समथिंग और वो करने के लिए हम आउट टू वर्क का यूज करते हैं. तो यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है. उसके बाद है मस्ट. Where do we use the word must? Anyone else? Must word? You must have listened the word must many times, I think. Chirag. Chirag, unmute your mic. Lovely. Yes, Mahvish. Sorry, ma'am. I don't know. You don't know? आपने सुना है कभी yes. first word? ma'am, सुना तो है but अच्छा, you can't explain.
फाइन फाइन आई एम गोइंग टू टेल यू. सी मस्ट वर्ड तो हम जो है वो मोस्टली यूज करते हैं जब हम किसी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं. यस अक्षय यू वांट टू आंसर. यस अक्षय. अक्षय यू आर नॉट ऑडिबल. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. सी मस्ट वर्ड हम जब किसी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं कि हमें ये चीज करनी ही चाहिए, जब एकदम मतलब बहुत ज्यादा हमारे ऊपर एक कंपल्शन आ जाता है, ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स. ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहिबिशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन? यू आर प्रोहिबिटेड टू डू दिस, देयर इज प्रोहिबिशन फॉर दिस. ये सारे मैम टू प्रोहिबिट समवन दैट यू शुड नॉट डू दिस लाइक स्मोकिंग. मेनी होटल्स इट इज प्रोहिबिटेड टू डू स्मोकिंग लाइक दैट. ओके वेरी गुड. प्रोहिबिशन का मतलब होता है एनी रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, व्हेन यू आर कंपेल्ड टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू डू समथिंग, जैसे स्मोकिंग है, दैट यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, कि यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर, मतलब तुम यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हो. देयर ऑल्सो वी यूज मस्ट. फिर इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंपल्शन ऑल्सो. हम मस्ट का यूज कंपल्शन बताने के लिए भी करते हैं कि दिस इज कंपल्सरी फॉर यू, यू मस्ट बी बैक बाय 8 o'clock, है ना. एंड इट इज यूज टू इंडिकेट समथिंग लॉजिकल, कुछ लॉजिकल या लाइकली चीज बताने के लिए कि यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर द लॉन्ग वॉक, कि इतना लंबा चलने के बाद तुम्हें भूख लगी होगी. सो दिस इज द प्लेस वेयर मोस्टली वी यूज द वर्ड मस्ट. ठीक है, उसके बाद अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब है नीड. देखो नीड का यूज, नीड और नीड नॉट दोनों यूज करते हैं हम, है ना. नीड पॉजिटिव वे में, नीड नॉट नेगेटिव वे में. तो नीड इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ नीड इज नीड नॉट. इट इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेज एंड क्वेश्चंस. नीड इज अ नेगेटिव फॉर्म. इन द नेगेटिव फॉर्म इज यूज टू एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. ठीक है, जब किसी चीज की कोई नेसेसिटी नहीं होती है उसके लिए हम नीड वर्ड का यूज करते हैं. दैट यू नीड नॉट फिनिश योर वर्क टूडे. ठीक है, कि तुम्हें यहाँ वर्क अपना आज फिनिश करने की जरूरत नहीं है, तो हम वहां पे पुट करेंगे नीड नॉट. और नीड ऑब्लिगेशन को बताने के लिए भी यूज होता है. जैसे ही आस्क्ड वेदर ही नीड सेंड, ही नीड सेंड सम मनी. ठीक है, कि उसको कुछ मनी की जरूरत है, तो ऑब्लिगेशन के लिए भी हम वहां पर पुट करते हैं. और हम इट इज यूज विथ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. जनरली हैव और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी यूज नीड नॉट ऑल्सो. जैसे यू नीड नॉट हैव वॉटर्ड द प्लांट्स, इट इज गोइंग टू रेन. And it is used for giving someone permission not to do something. Ma'am, we have to always use to with out. Yes, Swati, generally we use the word जो to infinitive होते हैं ना वो out to मतलब एक obligation बन जाती है. Out के साथ हमको to लगाना ही पड़ता है हर sentence में. जैसे आप ऊपर देखो, हमने out के साथ जो भी sentences बनाए, we have used the to infinitive everywhere. हर जगह हमने टू का यूज किया है ना, तो टू हमें यूज करना पड़ेगा आउट के साथ. दिस इज कंपल्सरी. एंड वेयर वी वर द नीड. ठीक है, तो वहां हम और परमिशन के लिए भी इट इज यूज फॉर गिविंग समवन परमिशन नॉट टू डू समथिंग. यू नीड नॉट कम इफ यू डोंट विश. तुम्हारी इच्छा ना हो तो तुम वहां नहीं आओ. तो ये जो देखो जनरली क्या है कि सारे वर्ड्स जो जितने भी मॉडल वर्ड्स है ऑलमोस्ट सबकी यूजेस एक जैसे है. कोई प्रोहिबिशन बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है, वही वर्ड प्रोहिबिशन बता रहा है. ठीक है, तो हमें वहां पर ये देखना है कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा वहां पर हो सकता है, तो हम वहां पर उस वर्ब का यूज करेंगे.
And the last one is dare. Sorry, last one. Dare. What is the meaning of dare? Dare मतलब क्या होता है? इशिता? Yes, ma'am. What do you mean by dare? Ma'am, telling someone, we can use the sentence, don't you dare to do this thing. मतलब तुम ये नहीं कर सकते. तो मतलब जनरली हम क्या मीनिंग बोल सकते हैं कि डेयर का मतलब ऐसा होता है. सी डेयर मतलब होता है करेज, हिम्मत. ठीक है, जैसे हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं तो हम उसमें ये अक्षरा ने क्या पूछा है, मैम कैन वी से दैट लाइक यू नीड टू चेंज द क्लॉथ्स और यू नीड टू डू दिस. या वी कैन से इट, दिस इज इन जनरल वी कैन यूज द सेंटेंस. ठीक है, और जो डेयर वर्ड है हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जब करेज की बात करते हैं, हिम्मत की बात करते हैं, जैसे हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं तो हम कोई ट्रूथ चूज करता है तो हम उसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, कोई डेयर चूज करता है तो हम उसको कुछ कुछ करेजियस थिंग करने को कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा. तो यहाँ डेयर का मतलब सेम है, डेयर का मतलब यही है कि किसी चीज को करने का करेज होना, हिम्मत होना. इट इज यूजुअली यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. और जनरली हम डेयर वर्ड का यूज करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. जैसे कि ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, आई डेयर नॉट गो इन द डार्कनेस, डेयर शी गो देयर अलोन. ठीक है, तो ये सारी करेज की बात हो रही है यहाँ पे, और जनरली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम इसको यूज करते हैं. यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली मतलब मोस्टली हम यूज विद दिस टू सेंटेंस. वी कैन यूज विद द पॉजिटिव सेंटेंसेस आल्सो. नेक्स्ट वर्ड इज यूज्ड टू. यूज्ड टू का क्या मतलब होता है? यस आरिनी. यस मैम. मैम इट इज यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट लाइक दैट वी डू दैट वी यूज्ड टू डू इन द पास्ट. मैम मतलब किया करते थे वो. अच्छा हाँ, मतलब हिंदी हिंदी टॉक्स अबाउट द पास्ट हैबिट दैट वी यूजुअली यूज टू डू अबाउट दैट इन द पास्ट. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम जो पास्ट में जो एक्शंस करते थे उसके बारे में जब हम बात करते हैं दैट टाइम वी यूज अबाउट यूज टू. ओके, तो यूज टू इज यूज फॉर द हैबिचुअल एक्शंस. जैसे ही यूज टू स्मोक व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो स्मोक किया करता था. आई यूज टू लाइक हिम बट नॉट नाउ, मतलब मैं उसको पसंद करती थी बट अब नहीं, है ना. तो ये यूज टू पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करता है. एंड वुड इज कॉमनली यूज इन प्लेस ऑफ यूज टू. और मोस्टली हम यूज टू की जगह पे वुड का भी यूज करते हैं. जैसे शी यूज टू गो टू टेम्पल डेली, शी वुड गो टू द टेम्पल डेली, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट. चलो, अब ये जो टेबल दे रखी है ना यहाँ पे, ये तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर देगी, है ना, कि जनरली जब भी इस चीज की बात होगी, इस फंक्शन की बात होगी, तो हम इस मॉडल वर्ब का यूज करेंगे. जब भी हम मोस्ट प्रोबेबली एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन और कुड का यूज करना है, कुड मे माइट पॉसिबिलिटी के लिए, है ना. तो ये टेबल है, आप इसको लर्न कर लेना, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दी एक्सरसाइजेस. ओके, तो चलो वी लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 140. Fill in the blanks with out to, use to, dare, need and must. See the first one. You dash finish this work by tomorrow. अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी obligation की बात कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही है ना. जब compulsion की बात हो जाती है, prohibition की बात हो जाती है और probability की बात हो जाती है, we use the word must. तो यहाँ क्या आएगा, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय टुमॉरो. सेकेंड वन इज ही डैश स्विम इन द सी व्हेन ही वाज क्वाइट यंग. अब हम पास्ट हैबिट की बात करें कि जब वो यंग था
तो हम उसके लिए हम पास्ट हैबिट के लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? वी विल यूज द यूज्ड टू वर्ब. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यूज्ड टू. ओके, उसके बाद थर्ड वन इज ही डैश एंटर माय हाउस अगेन. अब यहाँ हम हिम्मत की बात करें कि उसे मेरे मेरे घर में वो दोबारा नहीं आना चाहिए, तो डेयर नॉट, वी विल यूज अवर डेयर नॉट. शी लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन. अब यहाँ हम आउट टू वर्ड की बात कर रहे हैं, और आउट टू हम कभी आज जब हम किसी मतलब एबिलिटी कुछ एडवाइस की बात करेंगे तो वी विल यूज आउट टू वर्ड. तो यहाँ शी आउट टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन. देन दे नीड नॉट वरी अबाउट हिम, ही वॉज रिकवर्ड फुल्ली. यू नीड नॉट हैव गोन टू दिल्ली टू मीट हिम, ही इज कमिंग हियर टूडे. He must clear all his debts before the end of this month. She must be a very rich man by now. Sorry, यहाँ पर सेंटेंस गलत लिखा हुआ है. She must be a very rich woman आएगा यहाँ पे. Okay? And your mother is quite well. You need not hurry home. We must not disobey our teacher. Understood? Any doubt to anyone in this exercise? Exercise number 3. Then after that we will shift to the exercise number 4. See exercise number 4. Fill in the blanks with the correct modal verbs. यहाँ पे आपको correct modal verb का use करना है जो bracket में पीछे दे रखे हैं आपको. She dash report for duty at 8 o'clock. ठीक है, अब यहाँ पर हमने हमारे पास दो options दे रखे हैं, out and must. तो हम किस चीज का use करेंगे? Which is the most appropriate word we will use here? Generally out हम जब किसी हमारी एडवाइस की बात करते हैं, कुछ एडवाइजेबल की बात करते हैं, तो आउटवर्ड का यूज करेंगे. अदरवाइज जब हमारी ऑब्लिगेशन हो, कुछ कंपल्शन हो करने का, देन वी हैव टू यूज अवर्ड मस्ट. तो यहाँ आएगा मस्ट. ठीक है, फिर हाउ डैश यू स्पीक अगेंस्ट द प्रेसिडेंट. अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो वी विल यूज द वर्ड डेयर, क्योंकि यहाँ पे करेज की बात कर रहे हैं कि ही डेयर, हाउ डेयर यू स्पीक अगेंस्ट द प्रेसिडेंट. अपन बोलते हैं ना कि तुमने ऐसी हिम्मत भी कैसे की, तो हाउ डेयर यू स्पीक अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, यहाँ आएगा डेयर. ठीक है, फिर यू आउट टू हैव कैरीड योर ऑर्डर्स आउट हिज ऑर्डर्स. ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी की बात हो रही है, इसलिए हमने आउट वर्ड का यूज किया है कि तुम्हें उसके ऑर्डर जो है वो कैरी करके लेके जाने हैं. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम, तो वी हैव यूज अ वर्ड आउट. Then after that, your brother dash respect your parents. तो यहाँ पे हम कुछ एडवाइस की बात कर रहे हैं, कुछ कंपल्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे should. That your brother should respect your parents. She need not go there now. He used to go there daily in his childhood. ये फिर past activity की बात हो गई, इसलिए used to word का हमने use किया. ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू फिल द एक्सरसाइज नंबर 4. आफ्टर दैट एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें आपको क्या करना है, सही मॉडल वर्ब को टिक करना है ब्रैकेट में जो दे रखे हैं, उनमें से आपको जो लग रहा है कि दैट इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, देन यू हैव टू यूज इट. जैसे वी आउट टू विन द रेस, आई कैन स्विम, शी शुड बी इन बेड नाउ, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शुड आई गो टू द सिनेमा विद देम, May I go to the theater today? I shall do it at any cost. Okay? Now exercise number 6. इसमें आपको क्या करना है, आपको करेक्ट वही सिमिलरली जो आपको ऊपर दे रखी है वर्ब्स, जो 6 वर्ब्स दे रखी है उन्हीं का यूज करके आपको नीचे के जो फिलअप्स है उनको फिल करना है. जैसे फर्स्ट वन इज आई कैन स्पीक इंग्लिश, He should be here by now. They might not come to the party. You may go now if you wish. Could you tell me the way to the station? Can you hold your breath for more than a minute?
एंड एक्सरसाइज नंबर 7, इसमें भी आपको पीछे जो वर्ब्स के ब्रैकेट्स में दे रखे हैं उनका यूज करके फिलअप्स करने हैं, जैसे ही 8, 9, 10 आर लेफ्ट। यस आरिनी, मैं आपको अभी बस बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से इनको फिल करना है, एंड दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू। आपको ये सारे जो है फिलअप्स वो खुद से फिल करने हैं, एंड टुमोरो यू विल आस्क द डाउट्स टू मी, एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू ऑल द पीडीएफ ऑफ द आंसर्स ऑन द गूगल क्लासरूम। ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू फिल इट इन योर ग्रामर बुक विद अ पेंसिल इन अ गुड हैंडराइटिंग। ओके, and in this question also you have to put the correct modal verb in the blank which is given here. First one is he dash write a letter to her, तो हमने यहाँ use किया he will, क्योंकि generally हम जो है shall जो है उसका use करते हैं I और we के साथ most probably, ठीक है, and we shall not go there tomorrow, you shall be punished for you for your misconduct, ठीक है, तो ये सारी जो भी हैं ये सारे आपको करने हैं कंप्लीट, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। ये सारी एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट है कि आपको कैसे सॉल्व करना है तो आप पूछ सकते हो, एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन नंबर 14 ऑफ द मॉडल वर्ब्स। वी आर डूइंग इट इन अ जनरल वे, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव a lot of chapters to cover और वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको कवर करने में। एनी डाउट टू एनी वन? Yes, no doubt. Okay. So let me ask. Yes, Swati. Yes, Swati. Ask. Ma'am, we will do chapter number. Ma'am, chapter notice writing. Yeah, beta. First of all, we will cover the term 2 chapters of our English grammar, which we are going to cover it after the मॉडल वर्ब के बाद वाले जो चैप्टर्स है वो सारे कवर करके पीछे जो राइटिंग सेक्शन बचेगा हमारा वो हम सबसे एंड में करेंगे इफ वी हैव टाइम। ओके फाइन, सो लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस नाउ। महवेश, यस महवेश, yes ma'am, you were in the first class which I have taken the previous week of tense? No ma'am. No, acha, so do you know about what are the types of the tenses, how many types of tenses are there? 6. Name them, kya hai, kon kon se hai? Tenses. Acha. Anyone else? Anyone else? You want to answer? Yes, Ishita. Yes, ma'am. Yes, Ishita. How many types of tenses? Yes, ma'am. 6. कौन कौन से? Present continuous, present perfect, simple present, past present continuous, future tense. Past continuous tense. बस ओनली 6 टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर?
No, ma'am. There are many also. Then you told me that there are only 6 types of tenses. Ma'am, because I... Okay, fine. Let me remind you all. मैं बता देती हूँ आप सबको. देखो, we have 12 types of tenses. What are they? पहले present tense के 4. कौन कौन से? Simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. After that, past tense के 4. Simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And after that, future tense के भी 4. Same. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. बेटा मैं आप सबको ये टेंसेस के इसलिए बता रही हूँ, टाइप्स फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन दैट इज वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. और उसके लिए आपको टेंसेस पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वी हैव 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. मेन 3 टाइप्स हैं, उन सबके 4 सब टाइप्स होते हैं. ओके, सो यस, आ रही हूँ. यस मैम. डू यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? यस मैम. सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फ्रॉम ई और ईएस विद इट एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस? Subject plus verb ing form plus object. Sorry, is help subject plus ismr plus verb ing form plus object. Okay, very good. So students, जो हमने उस दिन tenses के बारे में पढ़ा था class में, we have learned about the 2 tenses, present and past. एंड स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था उस दिन. तो आपको उसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिवाइज करके आना है, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्टिव पैसिव वॉइस. एंड उसके लिए आपको जो स्ट्रक्चर है टेंसेस का वो थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू, एंड आपको होमवर्क करना है. और जो आपकी जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई आपको होमवर्क, एज अ होमवर्क यू हैव टू कंप्लीट इट, एंड टुमारो यू कैन आस्क मी द डाउट्स इफ यू हैव एनी. So I'm ending the class here now. See you tomorrow.